सुशांत सिंह राजपूत की एक फिल्म थी जिसकी वजह से उसकी लाइफ में बहुत फ़र्क पड़ा। पहले काई पोछे बनाई, उसके बाद उसने शुद्ध देसी रोमांस यशराज के साथ 3 कॉन्ट्रैक्ट किए थे, 3 फिल्म के। लेकिन 2 फिल्में होने के बाद, ब्योमकेश बख्शी शुद्ध देसी रोमांस होने के बाद, तीसरी फिल्म आदित्य चोपड़ा चाहते तो रामलीला बनती, और रामलीला बनने के बाद कंटिन्यू 1x1 सिक्वेंस थे, बाजीराव मस्तानी, फिर वो पद्मावती वगैरह, ये पूरा का पूरा सिक्वेंस सुशांत के साथ बनने वाला था। लेकिन फिर आदित्य चोपड़ा ने कहा कि नहीं, आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में हैं तो नहीं कर सकते किसी और की फिल्म। लेकिन सेम कॉन्ट्रैक्ट में रणवीर सिंह भी थे, लेकिन रणवीर सिंह को आदित्य चोपड़ा ने वो दिया काम। और जबकि ऑडिशन सुशांत ने भी दिया था, ऑडिशन मतलब लुक टेस्ट होता है, सेलिब्रिटीज़ का ऑडिशन नहीं होता है, लुक टेस्ट होता है कि आप लुक में कैसे फिट बैठते हो। सुशांत हर लुक में मेरे हिसाब से बेस्ट था, लेकिन उसके बाद लुक टेस्ट की वजह से प्रॉब्लम नहीं हुआ। प्रॉब्लम हुआ था यहाँ पे, संजय लीला बंसाली थे अंदर, और संजय लीला बंसाली के वहाँ पे उस टाइम लाइन प्रोड्यूसर संजय लीला बंसाली के थे संदीप सिंह। और इन सब के होते हुए किसने क्या किया हुआ है उस अंदर की बात तो मैं भी नहीं जानता। लेकिन उसके बाद आदित्य चोपड़ा ने मना किया, और आदित्य चोपड़ा ने सेम रणवीर सिंह के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन रणवीर सिंह को हाँ करके रामलीला बनाई, और रामलीला के बाद वो सिक्वेंस चालू हुआ। लेकिन आदित्य चोपड़ा ने सुशांत फिर गया कि आपने कैसे मना किया, तो उन्होंने कहा कि एक पानी फिल्म है जो शेखर कपूर बना रहे थे, जो ऋतिक रोशन करने वाले थे, जो ऋतिक रोशन के बाद अगर शेखर कपूर किसी को सिलेक्ट किया था उन्होंने, तो सुशांत सिंह राजपूत को। इसीलिए शेखर कपूर ने सुशांत के जाने के बाद ट्वीट किया था, आपके साथ क्या हो रहा है मुझे पता था, आप किस गम में हो। इसके पीछे की कहानी यही है। इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो उसके बाद शेखर कपूर की फिल्म पानी जो थी उसके लिए सुशांत ने बहुत वेट किया। पता है उसको नॉर्मली ऐसी नॉर्मल फिल्म नहीं करनी थी, एंटीक कोई अच्छी चीज़ें हो। ब्योमकेश बख्शी एक थी, सोन चिड़िया एक अलग सी फिल्म थी, ऐसी कमर्शियल फिल्म से ज़्यादा, क्योंकि संजू वंजू इन सब सी फिल्मों से ज़्यादा उनको उसको ये पसंद था कि कुछ क्रिएटिव कंटेंट हो, अलग से कंटेंट हो। तो वो पानी एक ऐसा कंटेंट था जो उसका सपना था, और उस पानी के पानी वाले इसमें, अरे देखो आपको एक जानवर दिखाता हूँ, बड़ा खूबसूरत सा है, खरगोश देखा आपने, खरगोश है मुझे बड़ा अच्छा लगता है, आते हैं कभी कभी बीच। तो वो पानी वाली जो फिल्म थी, उस पानी में पानी की फिल्म डिले होते एंड में यशराज के साथ कॉन्ट्रैक्ट सुशांत ने तोड़ दिया, और फिर उसके बाद दूसरे करने लग गए। लेकिन वो पानी बनी ही नहीं। अब शेखर कपूर पानी बना रहे हैं, हीरो कौन है ये डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन पानी फिल्म बना रहे हैं शेखर कपूर। और उस पानी फिल्म में राजा मौली, आपको पता होगा राजा मौली, जिन्होंने बाहुबली जैसी फिल्में की, बजरंगी भाईजान की स्टोरी लिखी और बाहुबली जिसने बनाई, वो राजा मौली पानी की स्टोरी लिखेंगे, डायरेक्ट करेंगे शेखर कपूर। और फिल्म का हीरो कौन है ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ अंधेरा है थोड़ा सा, आपको ये दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ठीक है, इन्फॉर्मेटिव, आवाज़ तो आपको क्लियर आ रहा होगा और सुनाई दे रहा होगा। तो पानी फिल्म अब बनेगी, लेकिन वो मज़ा नहीं रहेगा पानी में जो सुशांत अगर करता तो शायद कुछ और ही मैजिक होता। लेकिन अब पानी फिल्म शेखर कपूर तो कर रहे हैं, लेकिन साथ में राजा मौली जी कर रहे हैं। राजा मौली बनाएंगे फिल्म, राजा मौली स्टोरी लिखेंगे और डायरेक्ट करेंगे शेखर कपूर, सेम फिल्म पानी, लेकिन बस उसमें सुशांत नहीं रहेगा। ऐसी खबरों के साथ मेरे साथ बने रहिए, और आपको वापस से खरगोश दिखा देता हूँ। ये नॉर्मल खरगोश है क्या, जंगल का है पता नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलो ये डर रहा है बेचारा शायद। चलो आज खरगोश दिखा है, 2 दिन पहले मेरे को सांप दिखा था, और 3-4 दिन पहले मोर भी दिखा था। तो अभी तो मैं जंगल के बाहर आया हूँ थोड़ा, लेकिन फिर भी जंगल से थोड़ा इधर ही है। तो चलो ऐसी खबरों के साथ मेरे साथ बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।